फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार की रात थाना पीपरपुर के दुर्गापुर के पास दो ट्रक व एक डंपर की आपस में भिड़ंत हुई। दुर्घटना में तत्काल एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल थे, जिन्हें अस्पताल ले जाते समय 2 की और मौत हो गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देर रात सुल्तानपुर की तरफ से एक ट्रक और एक डंपर प्रतापगढ़ के लिए जा रहे थे। जब दुर्गापुर चौराहे के समीप पहुंची तो अमेठी जनपद से एक ट्रक बालू लदा एकाएक ट्रक में आकर भिड़ गया, जिससे दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। इन्हीं के आपसी टक्कर की चपेट में डंपर भी आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जब बालू लदा ट्रक अमेठी की तरफ से आ रहा था, जिसका ड्राइवर शराब के नशे में था। मोड़ होने के कारण वह नशे में जब धुत था तो वह समझ नहीं पाया और सुल्तानपुर की ओर से आ रहे ट्रक में लाकर टक्कर मार दी। इस भिड़ंत की जद में सुल्तानपुर से आ रही ट्रक के पीछे एक डंपर भी जद में आ गया। घटना स्थल पर एक की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल थे, जिनमें से अस्पताल ले जाते समय 2 की और मौत हो गई। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है, हालत नाजुक बनी हुई है। नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, कैसे, क्या वजह थी होने? ये वजह ये है कि ये उधर से अमेठी रोड से ये गाड़ी आ रही थी बड़ी स्पीड में, लोडेड गाड़ी थी, मोटर लदी हुई, और उसके बाद ये सामने से सुल्तानपुर तरफ से ये खाली ट्रकें आ रही थी स्पीड से। गलती अमेठी रोड वाली की थी, फुल स्पीड में आया और सुल्तानपुर आने वाली गाड़ी को टक्कर मारी इसने। इस वजह से इसमें 2 लोग मरे हैं, एक ड्राइवर एक कंडक्टर, अमेठी रोड से आने वाली गाड़ी से करंट लग गया था इस ड्राइवर को। इसको निकालने जब निकाला गया तभी ये होश में आया। घायल कितने लोग हैं? घायल इसमें 5 लोग हैं टोटल, जो कि 3 मर चुके हैं। 5 टोटल 5 लोग आए थे चपेट में, 2 मर चुके हैं, 3 बचे हैं। कल रात्रि में 2 बजे के आसपास 3 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें कुल 6 लोग घायल हो गए थे, एक मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। घायलों को तत्काल भादर और सुल्तानपुर भेजा गया था, जहां उनका इलाज, 2 की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी। तो अभी जानकारी में आया है उसमें से कि उसमें 2 कैजुअल्टी हुई है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हो पाया था, इसलिए यहाँ से पुलिस बल भेजा गया है, उसको कन्फर्म करके बाकी घायलों का उनका इलाज किया जा रहा है। अभी भी जाम मलबा हटा दिया गया कि जाम उसी तरह? नहीं, जाम नहीं लग रहा है। जाम तो चूंकि ट्रक को किनारे करा दिया गया है। एक जो उसमें डेथ मौके पर हुई थी वो फतेहपुर का रहने वाला था, उसके परिजन आ रहे हैं, बाकी परिजनों को सूचित कर दिया गया है, तो वो सब आ रहे हैं, उसके आधार पर यहाँ पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। रास्ता तो खुला हुआ है, रास्ता चल। एक्सीडेंट कैसे हुआ है ये? एक्सीडेंट ये जो जानकारी में हुआ कि एक इधर से अमेठी की तरफ से लम्हा एक ट्रक जा रहा था और सुल्तानपुर रोड पर 2 ट्रकें आ रही थी, तो आपस में तीनों उसमें भिड़ गई थी, जिसके आधार पर ये घटना घटी।